नमस्कार दोस्तों, ऑल कंपैरिजन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग कूल होने वाला है, बहुत सारी ट्रिक एंड टिप्स मिलने वाली हैं। तो बस वीडियो को फटाफट से एंड तक देख डालो, क्योंकि भाई जो यहाँ पे तीन प्लेयर आपको दिख रहे हैं मेरे अलावा, वो सब रेंडम है। और उसमें से दो प्लेयर जो फर्स्ट नंबर पे है और जो फोर नंबर पे, इन दोनों बंदों ने ये बोला था कि भैया अभी तक हमने चिकन डिनर नहीं किया है जब से ये वाला सीजन स्टार्ट हुआ है। तो मैंने इनसे बोला है कि चलो भाई तुमको मैं इस बार चिकन डिनर कराऊंगा। तो जैसे ही मैंने स्टेडियम का मार्क लगाया तो पहले तो एक दो बंदों ने अनफॉलो किया, लेकिन फिर से फॉलो कर लिया, क्योंकि भाई मैंने उनको बोला था तुम केवल मेरे पीछे रहो, बस केवल मुझे रिवाइव दे देना, बाकी चिकन डिनर की गारंटी मेरी है, मैं तुम्हें चिकन डिनर करा दूंगा मेरे भाई। तो समझ सकते हो गेम प्ले कितना ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए फटाफट से भाई देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक बंदे को मैंने डैमेज दिया था, लेकिन इस पार्टनर ने मेरे उसको किल कर दिया। तो फाइनली ये तो हो गया सफाई अभियान का जो पहला काम था वो स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पे देख सकते हैं पूरी पूरी टीम है भाई साहब। तो दो बंदे तो ये हैं, लेकिन यार क्या बताऊँ यार, यूएमपी का जायरो से मैं बहुत खतरनाक मुझे लगता है यार। यूएमपी का जब जायरो चलाता हूँ ना यार, तो मज़ा नहीं आता है। मतलब जायरो सबसे जो मस्त चलता है ना, वो एकेएम का ही चलता है। तो ये देख सकते हैं भाई डैमेज तो बहुत दिया, लेकिन किल नहीं हो पाया बंदा, क्योंकि ऐसे कवर पे था कि पूरा डैमेज नहीं पड़ पा रहा था। लेकिन ये बंदा जो दौड़ के गया है, इसने फटाक से यार मेरे पहले ही जाते ही एक बंदे को नॉक कर दिया यार, जो कि मेरे मिशन के खिलाफ था। मैंने इनसे बोला था कि मैं तुम्हें किल नहीं होने दूंगा भले मैं किल हो जाऊँ, तो मैंने इसको फटाक से जाके किल कर दिया, क्योंकि भाई टीम पूरी अभी स्टार्ट है, ये रिवाइव हो सकता था, ठीक है। इसलिए मैंने इसको पूरा किल करके इसको रिवाइव देने चला गया, क्योंकि मुझे इस बंदे को लाइव रखना था लास्ट तक, मुझे इसको चिकन डिनर कराना था। मैंने इससे बोला था तुम्हें टॉप 10 तक तो जीना ही है ताकि आपको चिकन डिनर मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं केवल मेरे पास एमओ यूएमपी में है, केवल 18 एमओ बचा हुआ है, और यहाँ पे दो बंदे मेरे अगल बगल पैरों के निशान दे रहे हैं। तो अब ऐसे में मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन थी कि भाई यहाँ से एमओ कहाँ से उठाऊँ। तो फिलहाल 5 का एमओ मिल गया था, मिनी थी, लेकिन यार मिनी रसिंग गन थोड़ी है यार, ये तो स्नाइपर गन है। और यहाँ पर ये देखिए, मैंने फिर इस बंदे को जैसे ही देखा तो मैंने सोचा कवर पहले लेता हूँ फिर इसके ऊपर फायर करता हूँ, जिससे मैं इसको आसानी से मार सकूँ, क्योंकि अगर कवर नहीं लूँगा तो अगर 2-4 डैमेज भी दे देगा तो मेरी हेल्थ तो वाट लग जाएगी, ठीक है। तो ये देखिए फटाफट से मैंने लूट की 3x तो मिल गया मुझे। तो चलिए यहाँ से भाई मेडिकेट सबसे पहले उठा लेते हैं, क्योंकि मेडिकेट तो भाई सबसे मेन होती है। तो मैंने इसको उठा लिया और अब इस बंदे के पास लूट करता हूँ, शायद 5 का एमओ मिल जाए, 9 का एमओ मिल जाए। तो मिल गया 9 का एमओ। और यहाँ पे भैया अभी स्क्वाड के काफ़ी बंदे यहाँ पे एक्टिव थे, जिनको मुझे किल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि भाई अगर इनको मैं मारता नहीं तो मेरे टीम मेट के ऊपर बहुत ही ज़्यादा खतरा मंडरा रहा था कि कब किसकी वो बॉडी ना बना दें। बस यही मुझे टेंशन था, क्योंकि मैंने इनको बोला था कि मैं चिकन डिनर कराऊंगा, और चिकन डिनर कराने की वजह से मुझे थोड़ा सा सेफ खेलना पड़ रहा था। यहाँ पे देखिए दो बंदों के पैरों के निशान आ रहे हैं, तो यहाँ पे मुझे चलो यहाँ पे मिल गई यूएमपी, तो मैं यहाँ से एक्सचेंज कर लेता हूँ यूएमपी को। तो यहाँ पर फ़ोन मैंने चार्जिंग में दोस्तों लगा रखा था, इसलिए यार एम सही से नहीं लगा है। लास्ट तक मैं एम लगाने की कोशिश किया, लेकिन एम मेरा सही से नहीं काम कर रहा था, क्योंकि भाई चार्जिंग में फ़ोन लगाने के बाद आप समझ सकते हैं इधर उधर थोड़ा डिस्प्ले घूमती है। तो क्या आप लोगों में से ऐसी प्रॉब्लम होती है आप लोगों के फ़ोन में कि जब आप फ़ोन को चार्जिंग में लगाते हो तो इधर उधर फ़ोन भागने लगता है? तो ये देखिए बंदा यार फिर से नॉक हो गया। तो चलिए जिसने भी नॉक किया पहले उसकी अस्थियाँ बनाते हैं। तो ये देखिए ये बंदा रहा भाई, बंदा तो बहुत ज़बरदस्त था यार, काफ़ी डैमेज दे डाला दोनों लोग को। लेकिन मैंने भी सोच लिया कि अगर डैमेज दिया तो किल तो तुझे मैं ही करूँगा। तो चलिए भाई फटाफट से मैंने इसको किल भी कर दिया, और मैं फटाफट से इसको लूट लिया, और लूटने के बाद फटाक से मैंने हेल्थ किट लगा ली। क्यों लगा ली? क्योंकि भाई फुल वाला बैंडेज इसलिए लगाया था क्योंकि एक बंदा मुझे और भी लाइव दिख रहा था, क्योंकि एक बंदा और जीवित था ना, दो बंदों के पैरों के निशान आ रहे थे, जिसमें से कि इसने बोला था कि एक बंदे को इसने मार दिया है, किल कर दिया है, लेकिन मुझे लग रहा था इसके अलावा भी यहाँ पर कोई एक बंदा है। तो मैं उसी को खोज रहा था कि मुझे वो बंदा दिख जाए, लेकिन वो दिख ही नहीं रहा था। काफ़ी देर खोजने के बाद फिर भैया फाइनली कहीं ना कहीं से थोड़ा सा समझ में आया कि बंदा किधर है, ठीक है। तो चलिए भाई इसकी भी सफाई अभियान चालू कर देते हैं और इसको भी ख़त्म कर ही देते हैं, ताकि इसका भी खेल ख़त्म हो ही जाए, ठीक है। तो ये बैठा था भैया नीचे ट्रक के पास, तो ये देखिए इसकी भी सफाई अभियान हो गई। फिलहाल तो बहुत सही टाइम पर मेरा स्कोप खुला और सीधे हेड पर दो गोलियाँ बैठ गई, ठीक है। तो अब ये देखिए यहाँ पे भाई गाड़ी वाले ने फिर से इसको नॉक कर दिया। भाई साहब आप देखते रहिए कितनी बार ये नॉक होती है और कितनी बार मैं इनको रिवाइव देता हूँ, आप लास्ट तक देखना, आप हंस हंस के फूल जाओगे कि आप यार क्या मतलब क्या टीम मिली है भाई। टीम तो ठीक ठाक थी, लेकिन यार नॉक इतना ज़्यादा हो रही थी कि मुझे किल नहीं करने को मौका मिल रहा था, क्योंकि अगर मैं किल करने लगता तो किल तो मेरे 10-12 हो जाते, लेकिन फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि पिछले गेम की तरह मैं भी अकेला ही बचता और अकेले ही चिकन डिनर करना पड़ता है, टीम मेट को नहीं मिल पाता चिकन डिनर। तो मैंने सोचा इस बार भले किल कम हो लेकिन सबको लाइव रखना है, जीवित
सुरक्षित रखना है। तो यहाँ पे देखिए जबरदस्त वाली भाई फसा फाइट चल रही है, जबरदस्त वाली, ठीक है। तो ये देखिए ये बंदा रहा, इसको मैंने बहुत सारा डैमेज दिया और ये नॉकआउट कर दिया मेरे पार्टनर ने इसको। तो किल तो इसका भी चला गया मेरे पास से, चलो कोई नहीं, जाने दो, पार्टनर को तो मिला, किसी ने तो किल किया ये इसको, ठीक है। तो चलिए भाई इसके गाड़ी के नीचे, लेकिन नॉकआउट बंदा वहाँ पे भी अभी भी उपस्थित था, तो मैंने सोचा इसको किल करते हैं, लेकिन वो किल नहीं हो पाया, लेकिन पार्टनर ने उसको ख़त्म कर दिया, रस कर दिया पूरा, ठीक है। और इसने ट्रिक का बिल्कुल भी यूज नहीं किया, मतलब फुल रस ज़्यादा इसने खेल लिया, तो इसको अंदर चला गया और शायद मेरे हिसाब से ये जहाँ गया है वहाँ नॉकआउट हो जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि वो बहुत ही गलत जगह पे चला गया, बिना सोचे समझे चला गया अंदर। तो चलिए भाई इसको हेल्प तो देनी पड़ेगी, नहीं तो ये नॉकआउट हो जाएगा। तो ये देखिए ये रहा बंदा, इसको मैंने फाइनली ख़त्म कर दिया। कोशिश ये करिए कि जब भी गोली चलाइए, आप जब भी गोली चलाएं कोशिश करें एनिमी के हेड पे मारने की, भले आप चार गोली में एक गोली मारते हैं लेकिन कोशिश करें कि हेड पे ही पड़े। UMP हो, M4 हो, कोई भी एमओ हो, मगर कोशिश करें हेड पे ही पड़े आपकी एमओ, शरीर पे बॉडी पे ना पड़े। चार एमओ में एक लगेगा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हेड पे लगे। कोशिश उससे होगा क्या कि आपके चार एमओ का काम एक एमओ करेगा, ठीक है। तो कोशिश करो हेड पे मारने की, ठीक है। इस बार शॉर्ट आउट भाई नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई मैंने आप लोगों से बोला था कि वीडियो को स्किप करके मत देखना, लेकिन कुछ लोगों ने यार शॉर्ट आउट पाने के चक्कर में वीडियो को स्किप करके देखा, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत बात थी। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि यार आप लोगों ने वीडियो को बहुत ज़्यादा स्किप करके देखा, और केवल वहीं तक देखा जहाँ तक कि शॉर्ट आउट मैंने दिया था, उसके आगे बहुत सारे लोगों ने वीडियो, जिन लोगों को मतलब नॉलेज चाहिए था उन लोगों ने तो पूरा देखा, लेकिन जिन लोगों को केवल शॉर्ट आउट चाहिए था उन लोगों ने यार केवल शॉर्ट आउट के जहाँ तक दिया वहाँ तक केवल वीडियो देखा, उसके आगे नहीं देखा। यार ये बहुत ही गलत बात है भाई। तो इस वीडियो में भाई शॉर्ट आउट में बिल्कुल भी नहीं देने वाला हूं, ठीक है। इस वीडियो का जैसा रिस्पांस रहेगा उसी हिसाब से नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट आउट मिलेगा, ठीक है। तो चलिए भाई यहां पे देख लेते हैं भाई, यहां पे जबरदस्त वाली दो टीमें थी जहां पे मैंने अभी स्कोप लगाया। तो चलिए भाई यहां पे फाइट होते हैं, लेकिन यार जो मेरे टीम मेट थे, मैंने इनको कई बार लॉबी में भी यहाँ पे जब बोला था मैंने इन लोगों को कि ज़्यादा दूर मत जाना, लेकिन फिर भी ये लोग आगे 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 भाग रहे हैं। मुझे लग रहा है फिर से कोई ना कोई नॉक होने वाला है यहाँ पे। तो चलिए इसको मैंने काफ़ी डैमेज दे दिया है, लेकिन इस बंदे के ऊपर मैंने ओपन में रस इसलिए नहीं किया क्योंकि उसका दूसरा पार्टनर हो सकता है, ठीक है। लेकिन इस दो नंबर ने इसके ऊपर रस कर दिया, क्योंकि भाई ज़्यादा ओपन में खेलने से सही नहीं है। उसका रीज़न ये होता है कि तुमने एक बंदे को देखा है, हो सकता है उसके तीन टीममेट और अगल बगल हों, वो आपको किल कर दे, इसलिए मैंने उसको डैमेज देके बैक हो गया ताकि दूसरे टीममेट मेरे ऊपर रस करने की कोशिश करेंगे और मैं उसको मार दूंगा। लेकिन जैसा मैंने सोचा था कि कोई ना कोई नॉक होने वाला है, तो वो देखिए एक इराक को भाग रहा है, एक ईरान को भाग रहा है, उसी का नतीजा हो गया कि हम लोग आगे जा रहे थे, वो पीछे वाली टीम पर रस करने लगा और वहाँ पर फिर से हो गया नॉक। अब मुझे इतना गेम देखते देखते ये तो समझ में आ गया था कि इन लोगों को चिकन डिनर अभी तक क्यों नहीं मिला है, क्योंकि इनके गेम प्ले बहुत ही मुझे अच्छा लग गया, मतलब कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग गया इनका गेम प्ले देख के कि भाई देखो कितनी बार मैं इसको रिवाइव दे रहा हूँ, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि मैं इसको लास्ट तक लाइव रख पाऊँगा। तो ये देखिए यहाँ पर भाई इसके चक्कर है मैंने स्मोक भी नहीं किया, और यहाँ पर मैं फटाक से हेल्थ लेता हूँ क्योंकि बंदा वो आ रहा है। अब आप समझ सकते हैं बंदा देखो पानी में तैर रहा है, ये बंदा ऊपर खड़ा है लेकिन उसके ऊपर गोली नहीं चला रहा है, यार क्या बंदा है। तो चलो फिर भी मुझे इसे किल करना पड़ेगा। तो ये देखिए ये बंदा रहा, लेकिन इसने दो शॉर्ट गन का एमओ मुझे दे दिया, शॉर्ट गन का एक शॉट दे दिया जिससे मेरी पूरी हेल्थ की बैंड बज गई। तो फटाफट से मैं हेल्थ ले लेता हूँ, और ये देखो फिर से गलती कर गया, मतलब वहाँ पर बंदे ने मेरे ऊपर रस किया था, इसने ये भी नहीं सोचा कि दूसरा पार्टनर हो सकता है, इसने मेरे ऊपर उस बंदे को लूटने चला गया फटाक से। और देखो मैं इधर इसको रिवाइव दे ही पाया था कि वो दूसरा उधर एक और फिर से नॉक हो गया। मतलब भाई पूरे गेम में मैं रिवाइव रिवाइव रिवाइव, यार मैं कितना सेफ खेलूं मेरे समझ में नहीं आ रहा था। गेम प्ले मुझे गेम प्ले हो रहा है या क्या हो रहा है यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मजाक हो रहा है गेम प्ले हो रहा है क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं एक टीममेट को रिवाइव कर रहा हूँ, दूसरा नॉक हो रहा है, दूसरे को रिवाइव कर रहा हूँ, तीसरा नॉक हो रहा है, यार हो क्या रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा था मेरे, ठीक है। तो ये देखिए मैंने इसको रिवाइव दिया, चलो खैर इसने एक काम तो अच्छा कर दिया कि स्मोक कर दिया यहाँ पे। तो चलिए फटाफट से मैंने ड्रिंक लिया और मैंने सोचा थोड़ा सा किल बढ़ा लेते हैं, क्योंकि भाई अभी तक मेरे 5 ही किल हो पाए थे, क्योंकि जब ये सब नॉक हो जाते हैं या फिर टीम ज़्यादा खतरे में होती है तभी वो किल मुझे मिल पाता है, बाकी के जो नॉर्मल वाले किल हैं वो तो मुझे छूने को भी नहीं मिलते, क्योंकि ये लोग इतना जल्दी जल्दी करते हैं कि खुद नॉक हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मार के ही मरते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे भाई मुझे तो ऐसा लग रहा है यहाँ पर फिर से कोई ना जाए, बस इतना ले लो, उसको बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया इस बंदे ने। मैंने इससे बोला था ज़्यादा आगे आगे मत भागो, मगर फिर भी नहीं माना, मैंने इसको डैमेज दिया। आप देख सकते हैं चार्जिंग के फ़ोन लगने की वजह से मेरा एम नहीं कंट्रोल हो पा रहा है 3x के साथ में, तो ये बहुत ही ज़्यादा दिक्कत की बात हो गई, लेकिन फिर भी मैं इसको किल तो करूँगा ही।
तो ये बंदा जो यहाँ पे लेटा हुआ था, इसका थोड़ा सा तो पॉइंट ऑफ व्यू मुझे दिखा कि यहाँ पे पेड़ के सामने कहीं पे लेटा है, लेकिन सही से नहीं देख पाया कहाँ पे है। उसने एक और मेरे पार्टनर को मतलब नॉक कर दिया, तो मैंने सोचा इसके ऊपर नेट करते हैं जिससे थोड़ा सा डैमेज हो जाए, और हो सकता है कि डैमेज हो भी जाता। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करते हैं नेट को। होल्ड कैसे करना है अगर ना पता हो नेट को तो बता देना कमेंट करके, मैं इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा। तो फिलहाल मैं ये देखिए फिर से एक नॉक हो गया यार, तो चलो इसको भी रिवाइव कर देते हैं फटाफट से, और फिर इस बंदे को किल करते हैं जिसने एक पार्टनर को मारा है। क्योंकि भाई अगर इसने मेरे पार्टनर को मारा है तो मैं इसको जिंदा तो नहीं छोड़ने वाला हूँ, क्योंकि ये मेरे रूल के खिलाफ हो जाएगा। तो ये देखो भाई, मैं खुद मर जाऊँ वो बात अलग की है, लेकिन इसको मैं बिल्कुल ख़त्म कर दूंगा, मुझे इतना दिमाग ख़राब हो गया था यहाँ पे। तो ये देखिए भाई, मेरी हेल्थ की लंका लगा दी इसके दूसरे पार्टनर ने, क्योंकि भाई मैंने गलती भी की थी इसको पूरा किल करने की, लेकिन क्या करूँ यार, उस समय उसने मेरे पार्टनर को किल कर दिया था, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा भावुक हो चुका था। तो ये देखिए फटाफट से भैया M4 की जो गन है वो हो चुकी थी रिलोड, और यहाँ पे मैंने एक गलती ये कर दी कि मुझे लगा कि अभी दो बंदे लाइव हैं, लेकिन दो नहीं थे, मतलब दोनों यहाँ पे नहीं थे, मतलब थे तो वो लाइव ही, लेकिन वो दूसरी तरफ थे, यहाँ पे नहीं थे, बंदे थे तीन। तो ये देखिए तीन में एक तो किल हो गया, अब बचे दो बंदे, ठीक है, और दोनों बंदे रहे यहाँ पे कहीं पे, यहीं कहीं पे हैं वो, उस तरफ तो नहीं है। तो मैंने देखा, पहले देखने की कोशिश की कि बंदे हैं किधर, लेकिन लास्ट तक मुझे पता चल गया। वीडियो अगर अच्छा लग जाए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, और नए वो चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर देना, ठीक है, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और यहाँ पर मैंने नेड इसलिए किया क्योंकि भाई ये काम जरूर करना जो मैंने किया, देखो नेड किया, इनकी इतनी हेल्थ चली जाएगी कि आप बाहर नहीं निकलेंगे, और इसी मौके का फ़ायदा उठा के हम जोन के अंदर आ जाएंगे। तो देखो हमने नेड कर दिया, वो बाहर नहीं है, और हम जोन के अंदर आ गया, नहीं तो हम जोन के बाहर सब के सब मर जाते, क्योंकि वो जोन के अंदर थे, हम जोन के बाहर थे, ठीक है। तो अब ये देखिए हम इसके पीछे आए, और उसमें से एक बंदे ने कर दिया स्मोक, जो कि हम लोग के लिए हो गया बहुत ही ज्यादा दिक्कत की बात। अब यहाँ पे मैं, अब बताओ, यहाँ पे मैं नेड करने की सोच रहा था, लेकिन उससे पहले ये दोनों आगे चले गए। अब आगे चले गए तो मैं नेड भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मैंने नेड किया इनमें से, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा नेड मेरे ही पार्टनर को किल कर दे, तो इसलिए मैं नेड भी नहीं कर सकता, और वही नेड मुझे भारी पड़ गया। अगर मैं यहाँ पे ग्रेनाइट फेंक देता तो शायद है कि उनमें से किसी न किसी की हेल्थ डाउन हो जाती, क्योंकि वो दोनों स्मोक के बीच में ही बैठे हुए थे, ठीक है। अब मैं नेड भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि भाई ये दोनों भी मेरे पार्टनर भी उसमें किल हो सकते हैं नेड में, तो अब यही मेरा सबसे बड़ा माइनस पॉइंट हो गया, और इसी वजह से मुझे बहुत ही बड़ी कीमत चुकानी पड़ी इसकी। तो आप समझ सकते हैं, ये देखिए मैंने बोला था ना स्मोक में बैठे दोनों, ये देखिए स्मोक में थे, मैंने उसको डैमेज तो दिया लेकिन इसने मुझे नॉकआउट कर दिया, और एक पार्टनर ने उसको किल कर दिया, और फाइनली हो चुका है चिकन डिनर, ठीक है। तो भाई टीम तो गजब की थी यार, क्या थी मैं क्या बताऊँ, आप समझ सकते हैं। बाकी ट्रिक एंड ट्रिप्स कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। जब भी किसी टीम पे रस करना, उससे पहले एक नेट जरूर कर देना, जिससे भले वो बंदे किल ना हो लेकिन उनका डैमेज जरूर हो जाएगा, जिससे बाद में अगर आप उनके ऊपर गोलियां चलाएंगे तो बहुत जल्दी आप उनको इजीली किल कर पाएंगे। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आ गया वीडियो को लाइक शेयर कर दो, और देखिए यहाँ पे तीन के तीनों बंदे लाइव हैं, एक बंदे ने अपनी लापरवाही में अपनी जान दे दी, तो फिलहाल तो तीन ही बंदों को बचा पाया। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता देना, आपके साथ ऐसा कब कब हुआ है कमेंट करके जरूर बताना। जिन लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा है वो लोग प्लीज़ बताएं कि आज 24 घंटे में आपने कितनी बार ग्रेनाइट से किल किए और कितने किल किए, कमेंट करके बताना। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।